और कानपुर से बड़ी खबर आ रही है। बता दें कि कानपुर एमबीबीएस छात्र की मौत के मामले पर लगातार जो है जांच पड़ताल जारी है। मृतक एमबीबीएस छात्र के परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। मृतक साहिल के शरीर में चोट के निशान भी दिखे हैं। परिजनों का सवाल कि शव बेसमेंट में कैसे पहुंचा। परिजनों ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। मामले में पुलिस लगातार जांच पड़ताल में जुटी हुई है। हॉस्टल में रहने वाले लगभग 50 स्टूडेंट से पूछताछ की जा रही है। सीसीटीवी कैमरों के जरिए पुलिस जांच भी कर रही है। बता दें कि रामा मेडिकल कॉलेज के एमबीबीएस हॉस्टल की यह घटना बताई जा रही है। बिठूर थाना क्षेत्र का ये पूरा मेरा नाम सुमित सरस्वत है। मैं साहिल सरस्वत का भाई हूँ। मैंने मोर्चरी में जाके चेक कर लिया कि जो बॉडी है वो भैया उसमें निशान लगे हुए हैं, निशान लगे हुए पीछे से और साइड में चाकू से निशान मुझको महसूस हो रहा है। अच्छा, बॉडी आपने बॉडी आपने देख ली ना? देखिए, मैंने देख ली। किसी के ऊपर शंका या वो है, किसी से शिकायत या किसी के ऊपर शंका? मुझको किसी से शिकायत नहीं है। जो आप कार्रवाई आप करोगे, आप अपनी उससे आप मेरा सहयोग करोगे, मुझको न्याय दिलाओगे आप। न्याय मेरे बच्चे के साथ में बांटा दूंगी है, उसको मेरे बच्चे की न्याय दिलाओगे आप। हम लोग तहरीर का वेट कर रहे हैं, जो उनसे पिताजी से मेरी जो है बात हो गई है और इनके आने का इंतज़ार हो रहा था। उसके बाद ही पीएम जो है परमिशन से रात को पीएम कराया जा रहा है, पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और ये अभी तहरीर इन्होंने नहीं दी है। तहरीर जैसे ही देंगे तैसे जो है जो तहरीर हो उसके आधार पर हम लोग अभियोग पंजीकृत कर आगे विधिक कार्रवाई करेंगे। अभी तक क्या क्या कार्रवाई कर चुकी है सुबह से? हम सुबह से जो है तो मतलब हमारे सीनियर अफसर सभी वहाँ पर मौके पर जो है कैंप किए हुए हैं। घटना स्थल पे जो भी चीज़ें हमारी फॉरेंसिक और डॉग स्क्वाड और जो भी सैंपल थे वहाँ से उठाए जा चुके हैं, प्लस जो सस्पेक्ट थे जो लास्ट बीती रात और में जो पार्टी चली थी उनके कुछ जो लड़के थे उन सबको जो है हम लोग पुलिस उनसे इंट्रोगेट कर रही है। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता नितिन हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन, देखिए एमबीबीएस छात्र के हत्या का मामला है, मृतक साहिल के शरीर पर चोट के निशान भी दिखाई दिए हैं, और क्या कुछ बड़ी अपडेट है? पुलिस किस तरीके से तहकीकात को आगे बढ़ाती हुई नजर आ रही है? नितिन से फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि कानपुर एमबीबीएस छात्र की मौत के मामले में लगातार पुलिस की जांच पड़ताल जारी है। मृतक एमबीबीएस छात्र के परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। मृतक साहिल के शरीर पर चोट के निशान भी दिखाई दिए हैं। वहीं परिजनों का सवाल कि शव बेसमेंट तक कैसे पहुंचा। परिजनों ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। वहीं इस पूरे मामले में पुलिस लगातार जांच पड़ताल में जुटी हुई है। हॉस्टल में रहने वाले लगभग 50 स्टूडेंट से भी पुलिस पूछताछ कर रही है। सीसीटीवी कैमरों की मदद ली जा रही है। रामा मेडिकल कॉलेज के एमबीबीएस हॉस्टल की यह घटना है। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता नितिन हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं। नितिन, देखिए एमबीबीएस छात्र के परिजनों ने जो है हत्या की आशंका जताई है और साहिल के शरीर पर चोट के निशान भी दिखाई दिए हैं। पुलिस अधिकारियों का क्या कुछ कहना है और जांच पड़ताल कितनी आगे तक बढ़ पाई? साहिल के पिता और चाचा मथुरा से आए थे। उनका ये आरोप था कि पुलिस जो है उनके बच्चे का शव जो है वो नहीं दिखा रही, लेकिन जब परिजनों ने हंगामा किया, हंगामा करने के बाद जब पुलिस के इस पूरे मामले में आपत्ति जताई, तब उन बड़ी मुश्किल से देर रात जो है साहिल के पिता और चाचा और उसके भाई को शव दिखाया गया। हालांकि साहिल के भाई का जो कहना था उसने साफ साफ कहा है कि भाई का शव है और उसके शरीर में कई चोटों के निशान है। वहीं साहिल मृतक जो साहिल है एमबीबीएस छात्र, उसके पिता का ये आरोप है कि पुलिस पूरी तरीके से बिक गई है। वो वहां कहते हुए चिल्लाते हुए भी दिखाई दिया। जो वहां पर लोग थे उन्होंने भी इस बात को सुना, प्रतिनिधियों ने भी इस बात को लेकर के बताया। वहीं उनके पिता का कहना है कि उनके छात्र जो मृतक छात्र है उनका बेटा साहिल, उसकी मृत्यु की जो जांच है, जो उसकी हत्या की जांच है वो सीबीआई से कराई जाए, ना कि लोकल पुलिस से, क्योंकि लोकल पुलिस जो है वो मेडिकल कॉलेज के लोगों से दिख चुकी है। चलिए, तो तमाम तरह के गंभीर आरोप भी लगाए जा रहे हैं। और बात करते हैं स्टूडेंट्स की, क्योंकि लगातार पूछताछ भी स्टूडेंट से की जा रही है, तो उनका क्या कुछ कहना है? साहिल किस तरीके का उसका नेचर था, क्या व्यक्तित्व था, इसके बारे में क्या पुलिस जानकारी कोई जुटा पाई है? देखिए, बिल्कुल बताते हैं कि करीब 100 से अधिक जो साहिल के जो मित्र हैं उन्होंने उनसे
देर रात तक पूछताछ करती रही। जैसे ही साहिल की मौत के बारे में, मृत्यु के बारे में पता चला है, वैसे ही पुलिस जो है उसके जितने भी साथ में पढ़ने वाले लोग थे, छात्र थे, उनसे पूछताछ की। वहीं कहीं ना कहीं सूत्रों की से अगर जानकारी की बात करें पुलिस सूत्रों की, तो ये बर्थडे पार्टी या किसी तरह की पार्टी का कार्यक्रम चल रहा था, क्योंकि जो साहिल है उसने काफी ज्यादा, सूत्रों की अगर बात करें तो ये पता चला है कि साहिल की मृत्यु से पहले साहिल ने बहुत अत्यधिक मात्रा में कहीं ना कहीं शराब भी पी रखी थी, जिसके चलते इस तरह की घटना हुई। हालांकि ये जरूर है कि अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही ये पता चल पाएगा कि साहिल की दुर्घटनावश मौत हुई है या उसकी पीट पीट कर हत्या की गई। ये जरूर है कि साहिल के परिजनों का ये कहना है कि जो उसके शरीर में चोट के निशान दिखाई दे रहे हैं वो पीटने की दिखाई दे रहे हैं, जिसके चलते वो हत्या की आशंका भी जताते रहे देर रात तक। लेकिन पुलिस उनकी एक नहीं सुन रही थी, पुलिस जो है वो अपनी ही मनमर्जी की कर रही थी। चलिए, तमाम जानकारी के लिए नितिन आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि कानपुर एमबीबीएस छात्र की मौत के मामले में लगातार परिजन जो है वो सवालिया निशान खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं, और ये भी उम्मीद जता रहे हैं कि साहिल की जो है हत्या की गई है, इसको लेकर भी जांच की बात कर रहे हैं। वहीं पुलिस से न्याय की गुहार लगा रहे हैं कि उनको न्याय जल्द से जल्द मिला जाए, जो इस कहानी का तथ्य है, जो इस हत्या में वांछित हैं, उनके चेहरे भी पुलिस जल्द से जल्द उजागर करे। तो आपको बता दें कि लगातार पुलिस जो है वो जांच पड़ताल के दायरे को आगे बढ़ाती हुई नजर आ रही है। अगर बात करते हैं पूछताछ की, तो लगभग 50 स्टूडेंट से पुलिस पूछताछ कर चुकी है। सीसीटीवी कैमरों के जरिए भी पुलिस लगातार जांच कर रही है। वहीं ये पूरा घटनाक्रम रामा मेडिकल कॉलेज के एमबीबीएस हॉस्टल का बताया जा रहा है, और बिठूर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। तो कह सकते हैं कि लगातार पुलिस जो है वो जाँच के दायरे को बढ़ा रही है, लगातार पूछताछ कर रही है।